एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आगामी त्योहारों की तैयारियों पर कहा कि जनपद में आगामी त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए अधिकारियों के साथ लगातार बैठक की जा रही है। इसके अलावा थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, बीट कांस्टेबल के साथ भी मीटिंग की जा रही है। जनपद स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंग भी की गई है। सभी लोगों से अपील की गई है कि शांति व सौहार्द पूर्वक त्योहार को मनाएं और जहां पर पारंपरिक रूप से जो आयोजन होने हैं वहीं पर आयोजन किया जाए। किसी को भी नए स्थान पर मूर्ति को बैठाने के लिए इजाजत नहीं होगी। सभी दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों को बताया गया है कि वह लोगों के सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखें। वहां पर अग्नि से बचने के लिए बालू, पानी, अग्निशमन यंत्र को रखें। रात के समय किसी जिम्मेदार व्यक्ति को वहां पर रखें जिससे कि कोई घटना होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दे सके। मूर्ति विसर्जन के मार्ग में पड़ रहे बिजली के तार को ठीक करवा दिया गया है जिससे कि त्योहार सकुशल संपन्न हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव क्रुवर ने कहा, देखिए आगामी त्योहार और पर्व जो जनपद गोरखपुर में मनाए जाने हैं उसके संबंध में लगातार अधिकारियों के साथ हमारी बैठकें चल रही हैं। थाना प्रभारियों के साथ, सब इंस्पेक्टर्स के साथ, हल्का चौकी प्रभारी और बीट कांस्टेबल्स के साथ भी लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। इसके अतिरिक्त जो पीस कमेटी मीटिंग है वो कल अनेक्सी भवन में कर ली गई है। विशेष रूप से यही निर्देश दिए गए हैं कि सभी त्योहारों को शांतिपूर्वक ढंग से सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाए जाने के लिए जो भी तैयारियां करनी हैं उसको कर लिया जाए। जहां जहां आयोजन होने हैं पारंपरिक रूप से जहां जहां आयोजन होते आए हैं वहीं पर वो आयोजन किए जाएं। कोई भी नई स्थान या कोई भी नया रूट किसी के लिए भी अलाउ नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से जो दुर्गा पूजा के जो पंडाल सजते हैं सजावट के साथ साथ सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो जो आयोजक हैं उनको भी ये हिदायत दी जा रही है, उनको भी ये सलाह दी जा रही है कि पंडालों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। जो भी बिजली के तार वहाँ पर जिसके माध्यम से वो वहाँ पर बिजली सप्लाई कर रहे हैं वो सुरक्षित ढंग से किए जाएं। अग्निशमन से सुरक्षा के लिए वहाँ पर हर समय पर पानी और बालू की व्यवस्था रहे। रात्रि के समय पर विशेष रूप से किसी जिम्मेदार व्यक्ति को आयोजनकर्ता जो है वो वहाँ पर नियुक्त करें जिसका संपर्क थाने और चौकी और पीआरबी के साथ बना रहे ताकि अगर कोई भी सूचना या घटना आती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जा सके। फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी प्लान किया जा रहा है और जो भी जुलूस निकलने हैं, विसर्जन के कार्यक्रम होने हैं, रामलीला और विजयदशमी के जो कार्यक्रम होने हैं उन सब के लिए सूचनाएँ भी एकत्रित की जा रही हैं, जनता के साथ समन्वय भी किया जा रहा है, लोकल लेवल पर पीस कमेटी मीटिंग्स भी की जा रही हैं और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि सभी त्यौहार सकुशल और सौहार्दपूर्ण माहौल में ही संपन्न हों।